भाई एक बार पानी पिलाएगा, पिलाएगा पानी। ओ, बहुत भाई। सोमवार से गेम स्टार्ट हो रहा है। मैं साइन किया है। और मैं तुमको बोलेगा, बंदूक में जुटे हैं। लाइक मैच तो बनी ना किसी को बचा। मैं आप बात करता हूँ, सुजीत है। ओके, सुजीत मेहता रहेगा। बोले जाएंगे अगर सेमीफाइनल में बढ़िया टीम से टकराएंगे तो चार पाँच विकेट गिर जाएगा। छक्का लगा, वाइड हुआ, वाइड कतार और इस बार फिर से अलग सरदार था आईसी एरिया में, ताकि लाल साल नगर या
अभिजीत के लिए मात्र 40 कर ली है और 11 तारीख काली मंदिर टीम में पहुंचा है और 2 मिनट है टीम विकेट है और मौसम किस गेंद को होने के लिए उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है देखते हैं उसके नीचे मौजूद है इसमें तासीद के द्वारा एक शानदार कैच जरूर मुन्ना मेहंदी साउथ हुए हैं लेकिन प्रकाश प्रजाज रेंजर्स की टीम को केवल 40 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए निश्चित रूप से क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम आया सर एकदम शादाब चले और भास्कर के लिए पहली गेंद भास्कर वहां पर गेंद को चेक करना चाहते थे लेकिन गेंद चलने में देर था केवल 80 रन का लक्ष्य मिला है प्रकाश बजाज रेंजर्स को और इस बीच गेंद ऑफिसर से काफी बाहर वाइड का इशारा एक और अतिरिक्त रन आता हुआ बनाना चाहते हैं तो जरूर जामनबाड़ी के इंडस स्पोर्टिंग क्लब से आप संपर्क कर सकते हैं जहां पर प्रशिक्षित क्रिकेटरों के द्वारा आपके बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा क्रिकेट के क्षेत्र में प्रोप्राइटर और फिर टॉस गेंद से मिला पर खेलना चाहते थे गेंद बल्ले का भारी की चार रनों के लिए कौन चल आता हुआ स्कोर जहाँ पहुंचा 41 रन मुकाबले में एक संघर्ष की आवश्यकता वही वही पैसा सब ले लो चाहते थे सभी दर्शक एक बड़ा मुकाबला हो एक शानदार मुकाबला हो लेकिन निराश किया है निश्चित रूप से प्रकाश प्रधान रेंजर्स के खिलाड़ी का फोकस और इस बार सभी ने क्या शानदार कनेक्शन किया है गेंद और बल्ले के बीच शानदार छक्का निश्चित रूप से सैनी के बल्ले से आता हुआ नर्सरी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई की जाती है इस बीच शादाब चले सेमी तैयार है और सेमी ने इस बार धीरे से ड्राइव किया लेकिन मौका दोनों खिलाड़ियों के पास कि दो जब तक गेंद को फील करे कोई रन नहीं रन लेने से मना कर दिया कप्तान के प्रोप्राइटर है सुमित कुमार आनंद इस बीच नए ओवर की पहली गेंद आप इस स्टंप पर टपा खाने के बाद गेंद और भी बाहर की ओर जा रही है बताएंगे कितने रन और चाहिए जीतने के लिए वनली 28 लीड है और कप्तान भास्कर सिंह यहां पर स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे केवल 28 रनों की दरकार है फाइनल में अपना स्थान पक्का करने के लिए प्रकाश बजाज रेंजर्स को इस बीच आप इस स्टंप पर गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आई कप्तान भास्कर लेके थे अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत किस गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट के ऊपर से खेला है गेंद सीधे से मारेगा से बाहर चार रनों के लिए शानदार चौका कप्तान भास्कर सिंह के बल्ले से आता हुआ अभी बिट्टू सर काली बाजार वार्ड नंबर 13 जहां पर अपने बच्चों की आप पढ़ाई के लिए संपर्क कर सकते हैं इस बीच भास्कर ने गेंद को खेला है जब तक आप गेंद को फील करें मौका दोनों खिलाड़ियों के पास एक और रन जोड़ने का प्रकाश बजाज रेंजर्स का स्कोर जा पहुंचा है जीतने के लिए प्रिंस कोचिंग सेंटर और इस बार सेमी ने गेंद को क्या खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद सीधे से मारेगा से बाहर चार रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी प्रकाश बजाज रेंजर्स का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया उम्मीद करते आने वाले सालों में भी ऐसे टूर्नामेंट देखने को मिले इसमें भास्कर सिंह ने गेंद को खेला है केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा स्कोर जा पहुंचा है 62 रन मैं चाहूंगा कि सेमी कुछ ऐसे बजाज शोरूम फारबिसगंज बजाज की गाड़ियों के लिए संपर्क करें इस बीच सेमी की चेंज में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं केवल एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा आज तमाम दर्शकों को इस तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिला नहीं है जैसे स्ट्रोक्स की अपेक्षाएं होगा जो काफी निराश किया है कप्तान भास्कर और कप्तान भास्कर ने क्या शानदार कनेक्शन हुआ पर गेंद और बल्ले के बीच शानदार छक्का कप्तान भास्कर सिंह के बल्ले से 69 रन पर जा पहुंचा है स्कोर बेबी के में पहुंचने 81 गेंदे 11 रन और इस बार गेंद को फिर से खेलना चाहते थे गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद सीधे से मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए 80 गेंदे 7 रन 80 गेंदे 7 रन स्कोर को बराबर करना चाहेंगे कप्तान भास्कर संजू चले और इस बार जरूर कोशिश की थी कप्तान भास्कर ने छक्का लगाकर स्कोर को बराबर किया जाए और गेंद से मारेगा जब बाहर चली गई 4 रनों के लिए करीबी नहीं कर आटा गिना निश्चित रूप से यहां पर पूरी तरह से भास्कर निश्चित रूप से धोनी के स्थान में छक्का लगाकर मैच को खत्म करना चाहेंगे और कप्तान भास्कर सिंह ने एक बार जोर लाइन लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क उतनी अच्छी हो नहीं पाई सिंगल्स लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया जरूर वो चाहते हैं पर एक बड़ा मुकाबला फाइनल मुकाबला महान मुकाबला और सेमी ने शानदार तरीके से गेंद को कनेक्ट किया गेंद सीधे से मारेगा से बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ प्रकाश बजाज रेंजर्स की टीम ने अपना स्थान फाइनल में पक्का कर लिया है इस सूचना के साथ 11 अप्रैल रविवार को प्रवासी इंडियंस विलियर्स और प्रकाश बजाज रेंजर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा
हट दोनों टीमों के कप्तान संदेश है कि वो स्कोरिंग की ओर से आएंगे हेलो हां भाई क्या बॉल पर बॉल पर कौन बॉल हां कोई यहां पर बॉल है